ओके दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एसक्यूएल फिर से। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं स्क्रीन पे और एसक्यूएल फोड़ते हैं आज फिर से। हमने देखा था करीब 24 क्वेश्चन कर रहे थे, 24 क्वेश्चंस वर ओवर, और 25वां क्वेश्चन कर रहे हैं आज, 25वां क्वेश्चन करेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था तो इसीलिए हमने यहाँ स्टॉप कर दिया था। और आप लोग अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप दूसरा जो एसक्यूएल का सीरीज़ का पहला वीडियो है वो प्लीज़ देख लीजिए एक बार, फिर यहाँ पर आना। और बाकी जो भी वीडियोज़ हैं चैनल में पक्का देखना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो मेरा को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं 25th क्वेश्चन। डिस्प्ले ऑल द रोब्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, द सिस्टम शुड वेट आफ्टर एवरी सेकेंड आफ्टर एवरी स्क्रीन फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, हम ऐसा कुछ लिखेंगे जो कि शायद DBOR में काम ना करे, बट कमांड में लिख देता हूँ सेट पॉज ऑन, ये कमांड है। फिर आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। देखिए ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम तीन टेबल यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर हम दो टेबल यूज़ करेंगे जो कि सेट, जो कि एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है, और तीसरा है सैलरी टेबल है शायद यूज़ करेंगे, या बोनस टेबल है शायद यूज़ करेंगे आगे में, यूज़ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अभी के लिए आप ऐसा मान के चलिए हम दो ही टेबल यूज़ कर रहे हैं और तीसरा सैलरी टेबल है क्योंकि हम यूज़ करेंगे। और आपको DDL कमांड्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा DDL कमांड्स, लिंक्डइन में एक आर्टिकल लिखा था उसमें DDL कमांड्स पूरे मिल जाएंगे, आप डेटा लोड कर सकते हो। और अगर आपको ये DBOR इंस्टॉल करने के लिए और डमी डेटाबेस बनाने के लिए भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखना और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मैं ये सोच रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये डेटाबेस बना हुआ मिलेगा या फिर आपको आता है, इसलिए मैंने DDL कमांड्स दे रखे हैं, DDL कमांड यूज़ करके डेटा इंपोर्ट कर लेंगे। जब हम देखेंगे, देखिए यहाँ देखते हैं क्या है, एम्प्लॉय टेबल के डेटा यहाँ पे आ रहे हैं जो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, बट ये सेट पॉज ऑन जो है ये मैं जाके कमांड प्रॉम्प्ट में दिखाता हूँ, ब्लैक स्क्रीन में दिखाता हूँ जहाँ पे आपको ये फील होगा। अभी यहाँ पे मैं रन करूँगा तो ये DBOR इसको मानता नहीं है तो ये एरर थ्रो कर देगा। तो मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट में आ चुका हूँ जहाँ पे हमने लॉग इन कर लिया है SQL में। ठीक है, मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे सेट पॉज ऑन मैंने किया और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP एम्प्लॉय टेबल से लिखेंगे। देखिए एक बार हुआ तो इतने कमांड आए, फिर दूसरे बार में दूसरा आया, तो ये मतलब ये जो रिकॉर्ड है ये एक स्क्रीन है और यहाँ पे दूसरा स्क्रीन है, तो एक बार जब स्क्रीन भर जाएगा फिर आप एंटर मारेंगे तब दूसरा स्क्रीन में आएंगे इन्फॉर्मेशन। तो ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये सेट पॉज ऑन मैंने लिख दिया है और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP मैंने लिख दिया है। यहाँ पे ये सेट पॉज ऑन काम नहीं करेगा DBOR में, इसीलिए ये चल नहीं रहा, बट वैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट में लिखेंगे तो चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द कंपनी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो मैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन की एंट्री होगी, तो मैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन एक काउंट है, काउंट स्टार करूँगा फ्रॉम EMP टेबल में कितने 14 लोग हैं, तो यहाँ पे मैं एज टोटल एम्प्लॉय ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा कॉलम नाम है टोटल एम्प्लॉय करके आएगा, तो यहाँ पे यूजुअली अगर मैं ये नहीं लिख रहा था, अगर मैं नहीं लिख रहा था यहाँ पे काउंट स्टार आ रहा था जो कि मेरा कमांड जो रन हो रहा है, बट अगर मैं एज टोटल एम्प्लॉय लिखूंगा तो कॉलम का नाम जो है टोटल एम्प्लॉय आएगा, कुछ अच्छा दिखेगा, तो इसीलिए हम ऐसा कुछ लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिस्प्ले द टोटल सैलरी बीइंग पेड टू ऑल एम्प्लॉय, टोटल सैलरी कितना दिया जा रहा है। तो इसमें काउंट काम नहीं करेगा क्योंकि अगर मैं काउंट कर दूं तो मेरे को आएंगे तो 14, बट मेरे को सैलरी कितना दिए जा रहे हैं, सैलरी मेरे को दिया जा रहा है, चलिए आप काउंट सैल बोलेंगे, काउंट सैल भी 14 ही है ना, बट यहाँ पे मुझे करना है सम, करना है मुझे सम, मुझे टोटल सैलरी चाहिए। देखिए यहाँ पे टोटल सैलरी चाहिए, तो ये 29,025 अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करते हैं तो यहाँ 14 रिकॉर्ड हैं, यहाँ पे हम जब ये टोटल करेंगे तो ये टोटल कितना आना चाहिए, ये टोटल आना चाहिए 29,025। ठीक है, अगर मेरे को ऐसे लिखना है टोटल सैलरी तो इस तरह कुछ आ जाएगा।
यहाँ पे कॉलम का नाम टोटल सैलरी रहेगा और यहाँ पे मैं सम कर रहा हूँ, सम ऑफ सैलरी, जितने भी सैलरी वाले कॉलम हैं उन सबको मैं सम करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, तो यहाँ पे एक एग्रीगेट फंक्शन है मैक्स करके, तो यहाँ पे मैक्स करके लिखेंगे फ्रॉम ईएमपी और मैक्स सैलरी किसको मिल रहा है वो मिल जाएगा। यहाँ देखते हैं मैक्स सैलरी, यहाँ पे मैं ऐसे करके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय सेल कर दूँ तो यहाँ से टॉप सबसे कम वाला आ जाए, सबसे मैक्सिमम किसका है किंग का है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे मैक्स किंग का है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एज एज मैक्स सेल, तो मैक्स सेल 5000, मैक्स सेल 5000 है। और यहाँ सिमिलरली पूछा गया है मिन सेल, तो यहाँ मैं कर दूंगा सेलेक्ट मिन ऑफ सेल, क्योंकि सैलरी वाले कॉलम में मेरे को मिनिमम चाहिए तो इसलिए यहाँ पे मिन ऑफ सैल रखना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम है जहाँ पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस कॉलम का नाम हमें पास करना पड़ेगा उस फंक्शन पे, तो यहाँ पे मिन ऑफ सैल फ्रॉम ईएमपी कर देंगे, तो मिनिमम था 800, यहाँ लिख दूंगा मैं मिन सैल, क्योंकि मेरे को कॉलम नाम थोड़ा अच्छा चाहिए, यहाँ पे मिन सैल करके नहीं लिखाना चाहिए जो कि थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे मिन सैल करके लिख दिया मैंने, सेलेक्ट मिन ऑफ मिनिमम ऑफ द सैलरी फ्रॉम विच टेबल एम्प्लॉय टेबल, तो वो 800 था हमने देखा था पहले, चाहिए तो आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे मिनिमम सैलरी 800 है, तो यहाँ पे जब हम सेलेक्ट मेन सेल कर रहे हैं तो हमें 800 किसकी है स्मिथ की सैलरी 800 हमें दिखाई दे रही बढ़ रही है। डिस्प्ले एवरेज सैलरी, यहाँ पे करेंगे हम एवीजी नाम का एक फंक्शन है उसको हम यूज़ करेंगे, सेलेक्ट एवीजी ऑफ सैल, एवीजी ऑफ सैल है 2073 बट इतने सारे आ रहे हैं, मैं यहाँ पे राउंड फंक्शन लगाने की कोशिश करता हूँ राउंड टू, तो यहाँ पे देखिए टू डेसिमल प्लेस में मैंने राउंड कर दिया है एज एवरेज सेल, ठीक है एवरेज सेल इतना है, मैं राउंड अगर ज़ीरो कर दूँ तो यहाँ पे 2073 आ जाएगा, तो इस तरह से राउंड जो फंक्शन है राउंड फंक्शन में मैंने एवरेज सैलरी को पास किया और यहाँ कितने प्रिसीजन चाहिए, प्रिसीजन मतलब पॉइंट, पॉइंट के बाद मेरे को कितने नंबर चाहिए, अगर जीरो डालता हूँ तो मेरे को इस तरह आएगा और अगर मैं थ्री डालता हूँ तो इस तरह आएगा, वन डालता हूँ तो एक ही पॉइंट आएगा, तो इस तरह से ज़्यादातर टू यूज़ करते हैं तो टू यूज़ कर सकते हैं, बट अगर मेरे को नहीं चाहिए मेरे को ज़ीरो चाहिए तो मैं पूरे प्रिसीजन अपने जो पॉइंट के बाद सब नंबर निकाल सकता हूँ। डिस्प्ले द मैक्सिमम सैलरी बीइंग पेड टू क्लर्क, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट max of sal from emp where job equal to clerk, max sal job equal to clerk, क्या गड़बड़ हो रहा है, तो ये clerk जो है ये capital में, मैं small में लिखूंगा तो वो obviously null ही दिखाएगा, यहाँ पे आ गया देखो 1300, यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ क्लर्क के हिसाब से, ये चार क्लर्क हैं चारों में 800, 1100, 1300, 950, तो यहाँ पे 1300 आना चाहिए, तो 1300 ये आंसर आना, यहाँ पे लिख दूंगा एज मैक्सल किसका है क्लर्क का, मैक्सल क्लर्क का 1300 मैक्सिमम सैलरी, ठीक है। आप जब भी कभी कंफ्यूज होंगे ना तो आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वो टेबल लिख दीजिए और उसमें लिमिट लगा दीजिए, ऑब्वियसली आप अगर काम कर रहे हो उसमें आप सेलेक्ट स्टार कर देते हैं तो शायद हज़ारों रिकॉर्ड लाखों रिकॉर्ड लोड होने लग जाएंगे और वो बहुत टाइम ले लेगा, तो इसीलिए ऐसा नहीं करते हैं, सेलेक्ट स्टार करके लिमिट लगाइए, 10 का लिमिट लगाइए तो आप कुछ रिकॉर्ड दे सकते हैं और जब कुछ रिकॉर्ड देखेंगे उसमें से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे को क्वेरी किस तरह लिखनी है, ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी लिखनी है। डिस्प्ले द मैक्सिमम सैलरी बीइंग पेड टू डिपार्टमेंट नंबर 10 सॉरी डिपार्टमेंट नंबर 20 मैक्स ऑफ सैल फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर इक्वल टू 23000, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप रन कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं डिपार्टमेंट 20 का सॉर्ट करते हैं, यहाँ डिपार्टमेंट 20 में इतने सारे लोग हैं, इनमें से हमें मैक्स सैल चाहिए तो 800, 2950, 3000 है ना, तो हमें आंसर आया क्या आया था 3000 आया था, यहाँ पे एज मैक्सेल
डिपार्टमेंट 20,000 दिस इज द मिनिमम सैलरी बीइंग पेड टू एनी सेल्समैन. ठीक है, सो मिन ऑफ सैल फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन. ठीक है, हम यहाँ ऐसे कर देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करके देखते हैं. सेल्समैन है, सेल्समैन को सॉर्ट कर देते हैं. सेल्समैन है, सेल्समैन में मिनिमम तो 1600, 1250 आंसर है, तो 1250 आएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे एज मिन सेल सेल्समैन. ठीक है, सेल्समैन वालों को किसका मिनिमम सैलरी वो. और यहाँ 33 क्वेश्चन होंगे. डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ड्रॉन बाय मैनेजर्स. सेलेक्ट एवीजी ऑफ सैल फ्रॉम ईएमपी वेयर वो तो कॉलम है जॉब इक्वल टू मैनेजर है ना, वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर. ठीक है, यहाँ पे एवरेज सैलरी है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ. कौन सा फंक्शन लगाऊंगा मैं, राउंड फंक्शन लगाऊंगा. ध्यान से सुनिए, देखिए आप भूल नहीं जाइए. राउंड फंक्शन टू डेसिमल पॉइंट लगा के यहाँ पे यहाँ क्या आ गया मैनेजर की सैलरी एस एवरेज सैलरी. यहाँ पे मैं चाहिए तो जीरो कर देता हूँ, मेरा 2758 हो जाएगा मेरा मैनेज क्या एवरेज सैलरी अमंग मैनेजर्स. डिस्प्ले द टोटल सैलरी ड्रॉन बाय एनालिस्ट. सेलेक्ट सम ऑफ सैल, क्योंकि टोटल सैल बोला गया ना, तो इसलिए सम ऑफ सैल फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल टू रहेगा क्या रहेगा एनालिस्ट. जॉब इक्वल टू एनालिस्ट तो सम कर देंगे तो अगर टोटल सैलरी ड्रॉन बाय एनालिस्ट वर्किंग इन डिपार्टमेंट 40. अच्छा यहाँ डिपार्टमेंट 40 बोल रहा है भाई. डीपीटी नंबर इक्वल टू 40. ये नल क्यों आया, क्योंकि मेरे को लगता नहीं डिपार्टमेंट 40 में कोई रहता भी है. ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर इक्वल टू 40 करूँ तो डीपीटी नंबर 40 का कोई है नहीं. चलिए जानने के लिए थोड़ा यहाँ डिपार्टमेंट 20 लगा देते हैं तो आ रहा है. तो यहाँ पे मैं अगर 20 लगा कर देखूँ तो ये चार एम्प्लॉय आ रहे हैं, इन चार एम्प्लॉय का ये सम करेंगे तो आउटपुट आएगा ये 6,000 रुपये. तो इस तरह हमें कुछ सोचना पड़ेगा. ठीक है, और यहाँ से अभी एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए मैं ये यहीं पे भी विराम करता हूँ. अगर आपको ये वीडियो में मज़ा आया हो और आपने कुछ सीखा हो और नया कुछ जाना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्सअप दे देना एक, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. इसी तरह अब मैं आसानी से एसक्यूएल सिखाता रहूँगा और आपको बहुत इजी से एसक्यूएल सिखाऊँगा और क्रैक करना सिखाऊँगा. कैसे इंटरव्यू क्रैक करें, कैसे एक ETL टेस्टर, डेटाबेस टेस्टर या SQL या फिर डेटाबेस टेस्टर या फिर BI टेस्टर कैसे SQL के साथ खेलता है और इतनी मज़े करता है और पेल के SQL करने का और मज़ा करने का. ठीक है, चलिए मैं अभी मिलता हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं. और एकदम फोड़ते रहिए, SQL करते रहिए सॉल्व, और मेरे वीडियो देखिए और एकदम सपोर्ट करते रहिए. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय.